और अब बात गठबंधन का लिटमस टेस्ट, अखिलेश के लिए कौन बेस्ट, क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खान के कुनबे की बगावत के बाद तूफान मचा है और अब इस बगावत के दौर में कौन अखिलेश यादव के साथ है, इसका एक बड़ा टेस्ट कल होने वाला है, क्योंकि पहली बार बिना समाजवादी पार्टी के उसके गठबंधन दलों की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश राजभर करेंगे। इसमें जयंत चौधरी, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल और संजय चौहान के शामिल होने की चर्चा है। गठबंधन का लिटमस टेस्ट, अखिलेश के लिए कौन बेस्ट, राजभर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 24 से पहले सहयोगियों की परीक्षा। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में बगावत का तूफान मचा है, वहीं इस तूफान में कौन अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, इसका बड़ा टेस्ट शनिवार को होने जा रहा है, क्योंकि सपा की सहयोगी शनिवार को एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल के केशव देव मौर्य, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान, अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के शामिल होने की चर्चा है। वहीं बैठक से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य जैसे नेता अपनी निष्ठा अखिलेश यादव में खुलकर दिखा रहे हैं और शिवपाल यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। नेता दो मुहिया साफ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी गठबंधन, चाहे जयंत जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, या कृष्णा पटेल हों, प्रेमचंद प्रजापति हों, आपके संजय चौहान हों, ये हम लोग जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ है। शिवपाल यादव जी उस मीटिंग में नहीं आएंगे और अगर वो आते हैं तो मैं नहीं आऊँगा। शिवपाल जी से इतनी दिक्कत नहीं, शिवपाल जी से दिक्कत नहीं है। जब अखिलेश यादव जी को जो गठबंधन दल के नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता अखिलेश जी हैं, जो अखिलेश जी के साथ नहीं है वो उसके साथ केशव देव मौर्य नहीं। इस बैठक पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें जयंत चौधरी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने हाल ही में रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी। और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है परिवार, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहे। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। अब जब सपा के सहयोगी अलग एक बैठक करने जा रहे हैं तो सवाल बड़ा है कि इस बैठक में कितने दलों का सहयोग मिलेगा, क्या जयंत चौधरी शामिल होंगे या फिर आजम शिवपाल यादव के साथ मिलकर नई खिचड़ी पकाएंगे। समाजवादी पार्टी में बगावत के बीच अब एक और खबर सामने आ रही है कि उसके जो सहयोगी दल हैं वो आपस में एक बैठक करने की योजना बना रहे हैं। इनमें महान दल है, सुभाषपा है, आरएलडी है, अपना दल कमेरावादी है और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ये अपनी एक बैठक कर सकते हैं और उस बैठक में इस वक्त समाजवादी पार्टी की जो स्थिति, खासतौर से अगर आप शिवपाल यादव को देखें, वो जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं और फिर आजम खां के समर्थन में लगातार लोग इस्तीफे दे रहे हैं, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है, इस पर वो चर्चा करेंगे। और पहल जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की गई है। गौरतलब है कि गठबंधन के रथ पर सवार होकर ही अखिलेश यादव 47 सीट से 125 सीटों पर पहुंचे। ये गठबंधन का ही सहयोग था कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 32% के पार चला गया। मतलब जो गठबंधन 2022 के चुनाव से पहले बना था, क्या वो 2024 के लिए भी है या फिर सबके रास्ते अलग अलग हो गए हैं, इसकी एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक सहयोगियों की बैठक के बाद एक और बैठक होगी जिसमें सपा भी शामिल हो सकती है, जिसके जरिए अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश दे सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में बगावत की आग लगी है, इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। ऐसे में ये बैठक समाजवादी पार्टी के लिए वो लिटमस टेस्ट है जिससे साफ होगा कि इस मुश्किल घड़ी में कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।